Hello my dear friends, welcome again. My name is Mohammed Shakil Pathan and today we are going to discuss a topic is known as stability condition for partially submerged body. और जिन लोगों ने हमारा stability condition for completely submerged body वाला lecture नहीं देखा है, please सबसे पहले वो lecture देखिए, तभी आपको ये समझने वाला है. तो सबसे पहले ये वाला lecture stop कीजिए और वो वाला lecture देखिएगा. हमारी playlist है, link आपको description में दे रखा है, ऊपर दे रखा है, तो पहले वो देखिएगा please. और आज जो lecture होने वाला है इसमें हम बहुत ही beautifully कुछ बातों पर discuss करने वाले हैं, जैसे जो ships हैं वो किस तरह से स्टेबल रहती है जब तूफान आते हैं या फिर कोई चक्रवात आते हैं या फिर लहरें जब उनसे टकराती है तो वो किस तरह से स्टेबल रहती है. और फिर इसके अंदर हम एक मूवी का सीन भी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोसाइडन. उस पोसाइडन मूवी में जो कैप्टन है वो ये कह रहा होता है कि अगर हमारी शिप को सुनामी की लहरों से बचना है, सुनामी की लहरों से भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिप को घुमा के सुनामी की डायरेक्शन में करना पड़ेगा. ये कैसे पॉसिबल है कि सुनामी की लहरें जो इतने इतने लंबी ऊंची होती है उसमें कोई शिप बच जाए. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट होता है हमारा ऋतिक रोशन वाला एड, तो आपने देखा ही होगा डर के आगे जीत है. तो उनको भी हम डराएंगे कि कैसे वो एड बना रहे हैं और वो लोगों को बता रहे हैं कि डर के आगे जीत है, पानी के अंदर घुस जा रहे हैं और वापस बाहर निकल आ रहे हैं. हाउ इट इज़ पॉसिबल. अंडरस्टैंड. कई बार आपने रिवर राफ्टिंग के दौरान भी देखा होगा लोग पानी के अंदर घुस जाते हैं और वापस निकल आते हैं. ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे स्टेबिलिटी हम अपनी शिप की बढ़ा सकते हैं, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल वे में. मज़ा आने वाला है आपको, तो फॉलो दिस लेक्चर नाउ अप टू द लास्ट देखिएगा तभी मज़ा आएगा. बीच में बंद कर देंगे, कुछ और देखेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला. ठीक है, लेट्स सी हेयर व्हाट इज द स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी, दैट मीन्स शिप्स एंड लेट्स सी. सो देखिए, स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, पहले एक शिप अज्यूम कर रहे हैं. शिप बेसिकली तो किसी और शेप का होता है. हम यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए हम ये मान रहे हैं कि शिप एक रेक्टेंगुलर बॉडी, और रेक्टेंगुलर बॉडी है तो भैया क्या है कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो फ्लूड के अंदर होगा और कुछ पोर्शन फ्लूड के बाहर होगा. क्योंकि हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं, पार्शली सबमर्ज बॉडी का. कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि सबमरीन का केस आता है. अब हम यहाँ पर पार्शली सबमर्ज बॉडी की बात कर रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जब पहले वाला लेक्चर था हमारा उसमें दो सेंटर के बारे में बताया था, एक होता है बॉयंसी सेंटर और एक होता है ग्रेविटी सेंटर. और उसके अलावा मैंने आपको एक सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में बताया था जो कि सेंटर से पास होगी, इसकी मिडिल से पास होगी, तो यहाँ पर ये होगी भैया अपनी सेंट्रोइडल एक्सिस. जितना वॉल्यूम सबमर्ज है उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, बॉयंसी सेंटर. कहाँ होगा, कहीं पर बीच में होगा, दैट इज़ बॉयंसी सेंटर. कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा. तो इस वॉल्यूम का जो सेंटर होगा वो यहाँ पर बीच में होगा, नाम है बॉयंसी सेंटर. इसको बीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द ग्रेविटी सेंटर. ग्रेविटी सेंटर क्या होता है, जितना टोटल बॉडी है उस बॉडी का सेंटर इज नोन एज ग्रेविटी सेंटर. तो कहीं पर बीच में होगा, जहां पर अगर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सेंटर में ही होगा mg. इसको बोलते हैं gc, ग्रेविटी सेंटर. और ये हमारी एक पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी है. अब हो सकता है कि इस पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी में ध्यान से देखना, कहीं से डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई लहरें बड़ी सी आके टकराए और तुम्हारा जहाज जो शिप है वो ऐसे झुक जाए, ऐसे हो जाए. ऐसे होने पर क्या होगा, देखिए मज़ा आने वाला है कि आपकी जो शिप है वो इस तरह का कुछ प्रोफाइल शेप हो जाएगा उसका. थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ डायग्राम, और बेसी बात है कि आपको दिखेगा नहीं वीडियो में, इसलिए बड़ा करना पड़ रहा है. इस तरह का शेप ले लेंगे. अगर हम सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करें तो ये रही भाई सेंट्रोइडल एक्सिस हमारी, पहले भी ये थी. अब अगर हम बात करें ग्रेविटी सेंटर की, तो ग्रेविटी सेंटर तो बॉडी का सेंटर है, तो यहाँ पर जब ये टिल्ट हुआ है तो ग्रेविटी सेंटर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ना तो डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ा है, ना ही कहीं से मास ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया है. इसलिए ग्रेविटी सेंटर वहीं लगेगा जहां पर पहले लग रहा था. मान लीजिए सपोज बीच में, तो ये ग्रेविटी सेंटर यहां पर लग रहा होगा और इससे जो लग रहा था एज यूजुअल फोर्स mg लगेगा. बट अब हुआ क्या है, जब ये बॉडी टिल्ट हुई, बेसिकली जब ये बॉडी टिल्ट हुई तो यहां पर एक चीज देखिए कि पहले हमारे पास जो वॉल्यूम सबमर्ज था वो ये था, एक रेक्टेंगल वॉल्यूम सबमर्ज था. अब जो वॉल्यूम सबमर्ज है उसका शेप ट्रेपेजॉइडल शेप है. ओके,
और एक और बात यहाँ पर नोटिसेबल है कि जब हमारी बॉडी टिल्ट हुई तो यहाँ से कुछ वॉल्यूम जो है बॉडी का बाहर निकला और यहाँ पर कुछ और वॉल्यूम बॉडी का सबमर्ज हो गया, जिसकी वजह से इस सेंट्रोइडल एक्सिस के इधर की तरफ ज़्यादा वॉल्यूम सबमर्ज है एज कम्पेयर टू द सेंट्रोइडल एक्सिस तक। तो जहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम सबमर्ज होगा बॉयंसी सेंटर भी उधर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो सपोज बॉयंसी सेंटर ऐसे शिफ्ट हो जाता है, अंडरस्टैंड, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है बीच में, तो अब बॉयंसी सेंटर से लगने वाला फोर्स कौन सा है? बॉयंसी फोर्स। ये बॉयंसी सेंटर बीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं बॉयंसी सेंटर का लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये भैया लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा बॉयंसी सेंटर का, अंडरस्टैंड, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स। और अगर मैं ग्रेविटी सेंटर का लाइन ऑफ एक्शन बनाऊं तो ग्रेविटी सेंटर का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेंटर या ग्रेविटी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिसिविटी थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स दिस बॉयंसी फोर्स कैन बी शिफ्ट एनीवेयर ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन बट द नेट इफेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स थ्योरी, कि इस बॉयंसी सेंटर या बॉयंसी फोर्स के को कहीं पर भी इसके लाइन ऑफ एक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं, फोर्स का जो इफेक्ट है वो सेम रहेगा ऑन द बॉडी। अब कहानी क्या है? अब देखो बेटा, कहानी ये है कि जब हम इस बॉयंसी सेंटर को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो देखिए कर सकते हैं क्योंकि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो बॉयंसी फोर्स अब यहाँ लगेगा। ग्रेविटी सेंटर से कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी फोर्स mg नीचे लग रहा है। आपने इस बॉडी को कैसे डिस्टर्बेंस दिया? आपने इस बॉडी को इस तरह से डिस्टर्बेंस दिया, इस बॉडी को आपने फोर्स ने इस बॉडी को लहरें आके टकराई, समुंदर की बड़ी बड़ी वेव्स आके टकराई, इस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट किया, साइड से टकराई, और अब यहाँ पर एक कपल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो दिखाता हूँ मैं, अरे देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक कपल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस कपल इज लाइक दिस, ये वाला कपल लगता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, ये कपल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कपल इस बॉडी को कैसे रोटेट कर रहा है? घुमाओ, अरे घुमाओ घुमाओ, कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, आपने डिस्टर्ब किया क्लॉकवाइज, और ये कपल क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सी कंडीशन बनी हमारी? स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई, अंडरस्टैंड। अब एक और चीज यहां पर यह है कि यह बात समझ में आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां पर बन गई। अब होता क्या है कि यह भी तो हो सकता है, कई बार आप शिप वगैरह भरते हो तो शिप वगैरह भरने से क्या होता है, शिप वगैरह जब आप भरते हो तो ऐसा हो सकता है ना कि मास जो है बॉडी का, कई आपने जो शिप देखी होगी कार्गो शिप, बहुत सारा वेट जो है डेक पर रखा होता है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो मास है या ग्रेविटी सेंटर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि शिप में तो वेट वेरी करता रहता है। तो अगर ग्रेविटी सेंटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, मैं वापस से बॉडी को बना रहा हूँ, मज़ेदार 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 मज़ेदार। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में इट इज पॉसिबल, अब देखिए यहां पर अगर मैं इस बॉडी को इस तरह से बनाता हूं, टिल्ट हुई, बहुत बढ़िया सी बात है, आप सबको पता है बॉयंसी सेंटर इधर की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अब क्या है, मास जो है डेक पे ज्यादा है, बिकॉज डेक पे ज्यादा मास है तो ग्रेविटी सेंटर क्या है, ऊपर की तरफ है, और बिकॉज ग्रेविटी सेंटर ऊपर की तरफ है, सपोज यहां पर है ग्रेविटी सेंटर, यहां पर है ग्रेविटी सेंटर, और इस ग्रेविटी सेंटर से कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, कोई दिक्कत नहीं। बॉयंसी सेंटर से कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉयंसी, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये रहा भैया लाइन ऑफ एक्शन। अब इस बॉयंसी सेंटर को या बॉयंसी फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन पर हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं दैट। तो आप एक चीज देखिएगा कि आपने इस बॉडी को कैसे डिस्टर्ब किया इस डायरेक्शन में, और ये कपल इस बॉडी को कैसे रोटेट कर रहा है सेम डायरेक्शन में।
इसका मतलब अगर मास ऊपर ज्यादा हो गया डेक पे और ग्रेविटी सेंटर इससे ऊपर चला गया तो बॉडी कैसी कंडीशन में होगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडरस्टैंड, ये बॉडी क्या होगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि जैसे थोड़ा डिस्टर्ब करोगे ये कपल एक्ट करेगा और इस बॉडी को ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर देगा। ये कंडीशन कौन सी? स्टेबल कंडीशन। अब इस कंडीशन में एक गौर करो कि अगर ग्रेविटी सेंटर कितना भी नीचे होता, यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, तो भी बॉडी हमेशा स्टेबल कंडीशन में ही रहती। इसका मतलब अगर ग्रेविटी सेंटर बॉयंसी सेंटर से नीचे होता या ऊपर होता, बॉडी हमेशा स्टेबल कंडीशन में ही रहती। यहां पर अगर ग्रेविटी सेंटर ऊपर हो या नीचे हो, बॉडी हमेशा स्टेबल कंडीशन में रहती। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बॉयंसी सेंटर और ग्रेविटी सेंटर की रिलेटिव पोजीशन से आप इस बॉडी की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ग्रेविटी सेंटर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बॉडी स्टेबल ही रहेगी। तो बाय द ओनली पोजिशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ बॉयंसी सेंटर एंड ग्रेविटी सेंटर यू कैन नॉट डिफाइन आ स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। तो फिर यहां पर एक और पॉइंट हम डिफाइन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो गौर करने वाली बात यह है कि जब बॉयंसी सेंटर इससे ऊपर, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी सेंट्रोडल एक्सिस को इससे जब ऊपर काटी थी तो बॉडी क्या बन गई? स्टेबल। और जब बॉयंसी सेंटर की न्यू लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंट्रोडल एक्सिस को इससे नीचे काटी थी, क्या बन गई? अनस्टेबल कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर बॉयंसी सेंटर की न्यू लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रोइडल एक्सिस को, ये कौन सी एक्सिस है? सेंट्रोइडल एक्सिस को काटती है, सेंट्रोइडल एक्सिस को काटती है, उस पॉइंट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा टू डिफाइन द स्टेबिलिटी कंडीशन। और उस पॉइंट का नाम है बेटा मेटासेंटर, मेटासेंटर। तो अब यहाँ पर डिफाइन ये हो गया मेटासेंटर। देखिए, अगर ग्रेविटी सेंटर चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में हो, अगर ग्रेविटी सेंटर नीचे भी होगा तो भी मेटा सेंटर इससे ऊपर है, इससे ऊपर भी होगा तो भी मेटा सेंटर ऊपर है, और जब मेटा सेंटर ग्रेविटी सेंटर से ऊपर है तो बॉडी क्या है? स्टेबल। और जब मेटा सेंटर ग्रेविटी सेंटर से नीचे आ गया तो बॉडी क्या होगी? अनस्टेबल। तो मेटा सेंटर की पोजीशन से हम यहां पर स्टेबिलिटी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए यहां पर एक नया पॉइंट हमें डिफाइन करना पड़ता है जिसे बोलते हैं मेटा सेंटर। लेकिन कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी में ऐसा कोई केस नहीं था, क्योंकि कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी में बॉयंसी सेंटर और ग्रेविटी सेंटर की रिलेटिव पोजीशन से स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी में हमने मेटा सेंटर को नहीं लिया, जबकि पार्शियली सबमर्ज बॉडी में हमने मेटा सेंटर को डिफाइन किया है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर दो कंडीशन बन रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो बहुत सिंपल है, इफ द मेटा सेंटर, मेटा सेंटर अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ मेटा सेंटर बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो भैया, जब मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव हुआ तो क्या हो गया? स्टेबल। बिलो हुआ तो अनस्टेबल। और जब सेंटर कॉन्साइड कर देगा, जब कॉन्साइड कर देगा तो यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए मैं ऊपर भी रफ कर रहा हूँ, जब कॉन्साइड कर देगा तो देखो उसका डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूँ छोटा छोटा सा। देखिए, अगर कॉन्साइड करेगा तो कंडीशन देखो कैसी होती है, अरे वापिस से वही वाली कहानी। अगर कॉन्साइड करेगा तो क्या हो रहा है? बॉयंसी सेंटर तुमने यहाँ शिफ्ट किया, इसका लाइन ऑफ एक्शन साहब ये है, कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पर। इससे कौन सा फोर्स लग रहा है? बॉयंसी। और इसी से अगर ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा हो, इसी पॉइंट से ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा हो, ग्रेविटी सेंटर भी हो, तो एम और जी सी सेम हो जाएंगे। तो आप देखिए, इसको आपने डिस्टर्ब तो क्या होगा, लेकिन कोई रीस्टोरिंग कपल लगेगा क्या? नहीं लगेगा, यहां पर कोई रीस्टोरिंग कपल नहीं है, तो कपल जीरो हो गया। तो ये कंडीशन कौन सी बनेगी? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब यहां पर तीन कंडीशन जनरेट होती है, अगर मेटा सेंटर ग्रेविटी सेंटर से ऊपर हो। अरे एक सिंपल सी बात है कि ग्रेविटी सेंटर नीचे होना चाहिए, बस ग्रेविटी से। पहली कंडीशन में जब कंप्लीटली समझती
बॉयसी सेंटर से नीचे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जब पार्शली सबमर्ज है तो ग्रेविटी सेंटर अगर बिलो है मेटा सेंटर से तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में होगी। अगर ग्रेविटी सेंटर अबव है मेटा सेंटर से, सॉरी ग्रेविटी सेंटर अगर अबव है मेटा सेंटर से तो अनस्टेबल, और दोनों कोइंसाइड कर जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन विल जनरेटेड। That is very important. That is known as meta center. हजारों बार क्वेश्चन आता है meta center पे। तो यहाँ पर अगर meta center की मैं definition दूँ तो what is the meta center? Sir, meta center is nothing but it is the coinciding point of new line of action of buoyancy force. New line of action of buoyancy force and centroidal axis. The meta center is nothing but a coinciding point of new line of action of buoyancy force and centroidal axis. New line of action of buoyancy force and centroidal axis. Centroidal axis और new line of action of buoyancy force का जो coinciding point होता है it is known as meta center. तो ये definition लिख लेना, it is the coinciding point of new line of action of buoyancy force and centroidal axis. And this point also can, it is a fixed point about which body is supposed to be oscillating. अभी और भी बातें करनी है इसके अंदर मुझे, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। तो ये conditions आपकी generate होती है, ये वो point होता है जिसके about हम ये मान सकते हैं कि body क्या कर रही है, vibration motion कर रही है, oscillation कर रही है। It's a point, fixed point about which we can assume body is oscillating. अब यहाँ पर कहानी और जनरेट हम लोग करते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम मेटा सेंटर हाइट की बात करेंगे, और मेटा सेंटर हाइट बढ़ाने से स्टेबिलिटी और ज़्यादा कैसे इंक्रीज, स्टेबल तो बनाना है, क्योंकि अगर स्टेबल नहीं बनाया तो जहाज डूब जाएगा। कितना और ज़्यादा स्टेबल कैसे बनाए कि वो सुनामी की लहरें, बड़ी बड़ी तूफान की लहरों को भी झेल ले, बहुत ज़्यादा टिल्ट और वापस से सीधी आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि एक बात तो फिक्स है कि सर अगर स्टेबल हो गया तो सर फिर तो बॉडी डूबेगी नहीं, परमानेंट स्टेबल हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक जहाज परमानेंटली स्टेबल हो जाए और कितनी भी बड़ी लहरें आए और वो डूबे ना? इसी बात पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बात करते हैं मेटा सेंटर। देखो मेटा सेंट्रिक हाइट की, यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूँ और मज़ा आ जाएगा आपको, कहीं पढ़ा नहीं होगा आपने इस चीज़ को। नाउ कम टू द मेटा सेंट्रिक हाइट, GM। ओके तो GM पे हम आते हैं, मेटा सेंट्रिक हाइट है ना, मजा आएगा। GM इसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर हाइट। ओके अब देखो क्या होता है, अगर मुझे बताओ दो लाइन पैरेलल हैं तो कहां पर कोइंसाइड करेगी, इन्फिनिटी पे। और अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बहुत स्मॉल है तो ऑलमोस्ट ये इन्फिनिटी पे कट, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा इनका कोइंसाइडिंग पॉइंट क्या नीचे नहीं आएगा। वापस से मैं बता रहा हूं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं ओके तो इनका कोइंसाइडिंग पॉइंट कहां होगा, इन्फिनिटी पे। अगर जैसे जैसे दो लाइन के बीच का एंगल बढ़ता जाएगा क्या ये कोइंसाइडिंग पॉइंट नीचे नहीं आएगा, आएगा 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 आएगा। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन है इसको बोल रहे हैं सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस एक्सिस, और दूसरी लाइन है जो नई लाइन है बॉयंसी फोर्स की, न्यू लाइन है किसकी, बॉयंसी सेंटर की। ओके बॉयंसी सेंटर, तो ये लाइन ऑफ एक्शन है बॉयंसी सेंटर, और इनके कॉन्साइडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, मेटा सेंटर। अब क्या होगा, जैसे जैसे बॉडी और टिल्ट होगी ये बॉयंसी सेंटर इधर शिफ्ट होगा। अरे देखो जैसे जैसे बॉडी और टिल्ट होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन, न्यू लाइन ऑफ एक्शन, न्यू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंसी फोर्स, ऑफ बॉयंसी फोर्स। अरे मजा आ रहा है, जैसे जैसे बॉडी टिल्ट होगी, सोचो बॉडी टिल्ट होगी, टिल्ट होगी, टिल्ट होगी, तो जैसे जैसे बॉडी टिल्ट होगी एक तो ये लेग से ऐसे होगी और ये इधर शिफ्ट होता जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और टेडी और तो इनके बीच का जो एंगल है, अगर सपोज ये इधर गया तो ये एंगल नहीं बढ़ेगा क्या, ये एंगल नहीं बढ़ेगा क्या, ये और ऐसे हो जाएगी बॉडी, तो ये एंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मेटा सेंटर का जो पॉइंट है, ये जो कोइंसाइडिंग पॉइंट है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा,
वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, यस और नो? यस। अब यहाँ पर तो बात, अरे तो एक बात समझ लीजिए कि मेटा सेंटर की जो पोजीशन है, एम की जो पोजीशन, वो फिक्स नहीं है। जैसे जैसे बॉडी को टिल्ट करते जाते हो, एम नीचे आता जाता है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले दिमाग में बिठाओ कि जैसे जैसे बॉडी को टिल्ट करोगे, अरे टिल्ट करोगे, ये एम नीचे आएगा 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 आएगा। और जब ये नीचे आएगा तो क्या होने वाला है, लेट्स सी। जब ये नीचे आता है तब मज़ेदार वाली बात क्या होने वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सबसे पहले मेटासेंट्रिक हाइट को डिफाइन करते हैं। तो जब अगर मैं बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन मानूँ, इतना कम मानूँ कि बॉयंसी सेंटर भी इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस पे अगर अज्यूम कर लूँ, इतना कम डिफ्लेक्शन, इतना कम टिल्ट कि बॉयंसी सेंटर क्या हो जाए, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस पे ही आ जाए, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेटा सेंटर होगा वो इससे फार्देस्ट डिस्टेंस पे होगा। फार्देस्ट डिस्टेंस, सबसे ज्यादा लंबी डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि इसके बाद तो क्या होगा, जैसे जैसे इट शिफ्ट होगा इधर, आपका मेटा सेंटर का जो पॉइंट है, जो कटिंग पॉइंट है, वो नीचे आता जाएगा। कटिंग पॉइंट है जो, वो नीचे आता जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है, इसको जी बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। इस जी एम को हम बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। इट इज फार्देस्ट डिस्टेंस बिटवीन ग्रेविटी सेंटर एंड मेटा सेंटर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आएगी। सो मेरे भाई लोगों, एक बात बताओ, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस बढ़ेगा मेटा सेंटर नीचे आएगा, जब मेटा सेंटर नीचे आएगा तो जीएम कम होता जाएगा। यस। जब जीएम से ऊपर है तो जी को हम ओरिजिन मान लें, जी क्या हो जाएगा, जीएम पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, कंडीशन क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर जी ऊपर है, एम नीचे है, बी इधर है, तो ये क्या हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं आपको जी, इसको जीरो जीरो मान रहा हूँ, तो जब एम जी से ऊपर होगा, एम जी से ऊपर होगा तो जी एम क्या होगा, पॉजिटिव, और जब एम जी से नीचे होगा तो जी एम क्या होगा, नेगेटिव। इस कंडीशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करेंगे। जब दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे जी और एम, तो ये क्या हो जाएगा, जी एम जीरो, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक कंडीशन समझ में आ रही है? अगर जी एम पॉजिटिव होता है तो बॉडी स्टेबल होगी, और जीएम जितना ज्यादा पॉजिटिव होता है उतनी ज्यादा बॉडी स्टेबल होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, सोचो सोचो सोचो, जीएम जितना ज्यादा होगा, जीएम जितना ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही बॉडी को टिल्ट होना पड़ेगा टू क्रॉस दिस एम। क्योंकि सोचो, जैसे जैसे बॉडी टिल्ट होगी, टिल्ट होगी, टिल्ट होगी, एम नीचे आएगा 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 आएगा, जैसे ही एम जी पर आया, कंडीशन क्या बनी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और इसके थोड़े से बाद ही कंडीशन क्या बन गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद लहरों की जरूरत नहीं है, बॉडी अपने आप ही ढूंढने लगेगी। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि एक पिक्चर का सीन है, उसके अंदर क्या होता है कि सुनामी की लहरें आती है, टकराती है और शिप से टकराती है, और शिप 180 डिग्री रोटेट कर जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाती है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, सपोज ये शिप है, आप जैसे जैसे लहरें आती है, टकराती है, तो टिल्ट होना स्टार्ट होती है। जब टिल्ट होना स्टार्ट होती है तो मेटा सेंटर नीचे जाना स्टार्ट करता है। मेटा सेंटर नीचे जाना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, एक ऐसी पोजीशन आती है जब मेटा सेंटर जी को कॉन्साइड कर रहा है, उसके थोड़ा बाद भी अगर डिफ्लेक्शन मिल गया तो बॉडी अपने आप डूब जाती है, बॉडी अपने आप रोटेट हो जाती है। जैसे कि अगर बोतल का मैंने एग्जांपल लिया था, आप डिस्टरबेंस दो, थोड़े डिस्टरबेंस तक तो बॉडी स्टेबल होती है, ज़्यादा दे दिया तो बॉडी गिर जाएगी अपने आप ही, वो अपने वेट के कारण गिर जाती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर होती है, जब आप यहाँ पर डिस्टरबेंस देते हो तो फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन इट हैज़ स्टेबल कंडीशन, बट फॉर लार्ज डिफ्लेक्शन इट इज़ बिकम अनस्टेबल, बिकॉज मेटा सेंटर क्रॉस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दैट केस, and GM become negative, and when GM become negative, its condition will arise is known as unstable equilibrium condition. So metacenter height is farthest. तो एक बात बताओ, जितना ज़्यादा metacentric height होगा, अगर if we have a two body, GM1 is greater than GM2,
हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी वन का GM वन है, बॉडी टू का GM टू है। तो बॉडी टू का अगर GM कम है, बॉडी वन का GM ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सी है? बॉडी वन, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इट कैन बी स्टेबल फॉर लार्ज फ्लेक्शन। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर GM पॉजिटिव हो गया तो तुम खुश हो गए कि सर बॉडी स्टेबल बन गई। नहीं, बॉडी परमानेंट स्टेबल नहीं बनती है, क्योंकि यहां पर M जो है वो नीचे आएगा। लेकिन कंप्लीटली समर्ज बॉडी में बॉडी परमानेंटली स्टेबल बन सकती, लेकिन पार्शली समर्ज बॉडी में बॉडी परमानेंट स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि यहां पर M नीचे आता है और जैसे जैसे GM कम होता जाता है बॉडी अनस्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच करती है, और GM नेगेटिव होते ही अब बॉडी डूबना स्टार्ट कर देती है। तो इफ GM इज नॉट परमानेंट हाइट, इफ GM इज अ फार्दर डिस्टेंस, बट एज द डिफ्लेक्शन इज इंक्रीजेस, एज द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस GM decreases, and when GM decreases, body become unstable after GM become negative. That is the beauty of concept. तो एक बात तो साफ है, जिस बॉडी का GM ज्यादा होगा वो बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी, वो बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी। तो एक टाइटेनिक का सीन बताता हूँ बेटा, याद होगा जब टाइटेनिक डूब रहा होता है तो उसके नीचे एक ब्लैक कलर का स्लिप दिखाई देता, बहुत बड़ा सा। वो ब्लैक कलर का स्लेब क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन समझो, मेरे को बताओ। जब आप जहाज वगैरह को देखते हो तो एक बात आपको महसूस नहीं होती क्या कि जहाज वगैरह पे ज्यादातर लोग डेक पे होते हैं, वेट डेक पे होता है, तो वेट क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ वेट होने से होने वाला क्या है कि जी ऊपर ज्यादा होगा, और जी जितना ज्यादा ऊपर होगा मेटा सेंटर की हाइट कम होगी। मेटा सेंटर की हाइट कम होगी तो अगर छोटी मोटी वेव भी आई तो जहाज को डुबा सकती है। तो अगर उनको मेटा सेंटर की हाइट को बढ़ाना है तो जी को नीचे लेके जाना पड़ेगा, और उस जी को नीचे लेके जाने के लिए वो नीचे की तरफ डेड वेट लगाते हैं, और वही चीज तुम्हें टाइटेनिक में दिखती है जब टाइटेनिक डूब रहा होता है। तो वहां पर पीछे की तरफ देखना, ब्लैक कलर का बड़ा सा स्लेब लगा हुआ है टू इंक्रीज द वेट एट द बॉटम ऑफ द शिप टू बिकम द GM लार्ज। Understand? तो एक बार बताओ, द मोर स्टेबिलिटी मीन्स मोर GM, लेस स्टेबिलिटी मीन्स लेस GM, बिकॉज GM इज नॉट परमानेंट। 99% बुक में गायब है इंडियन ऑथर की कि GM को ज्यादा पॉजिटिव बनाना पड़ता है, बस GM समझा के रह जाते हैं, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू कम टू कैलकुलेशन पार्ट कि GM को निकालते कैसे हैं, कि GM को पॉजिटिव तो बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किन ऐसी चीज है जिससे कि GM ज्यादा पॉजिटिव बनेगा, तो उन्हीं पे हम बात करने वाले हैं इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसके अंदर मैं जो क्वेश्चन कराने तो लेक्चर लंबा होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।